गजेंद्र कौन था? हाँ, फिर क्या हुआ उसके साथ? बस दो लाइन में बोलना है पूरी, क्या होता है? हाँ, वो नहा रहा था, तब क्या होता है? हाँ, फिर उस क्या करता है वो? वेरी गुड। हाँ हाँ और फिर कौन आ जाता है? भगवान आते हैं और उसे बचा लेते हैं। तो सबको स्टोरी ये मालूम है, लेकिन आज हम इस स्टोरी के पीछे जो तत्व है वो समझेंगे कि इसके पीछे हम क्या सीख सकते हैं, है ना। तो ये जो स्टोरी है गजेंद्र मोक्ष की, ये पृथ्वी में नहीं हुई थी, ये हायर प्लैनेट्स में हुई थी, उच्च लोकों में हुई थी। वहाँ एक बहुत ही सुंदर त्रिकुटा पर्वत था और उस पर्वत के चारों तरफ दूध का समुद्र था। हमने कभी सुना नहीं होगा ना कि दूध का समुद्र भी हो सकता है, लेकिन वहाँ दूध का समुद्र था। और ये त्रिकुटा पर्वत इतना सुंदर था, इतना ज़्यादा सुंदर था कि सभी देवी देवता अपने वहाँ आते थे घूमने। सब सिद्ध, चरणज, गंधर्वज, सभी लोग जो हायर प्लैनेट्स में रहते थे ना, वहाँ घूमने आते थे। जैसे हम सब स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, नहीं क्या? वैसे वो लोग वहाँ घूमने जाते थे त्रिकुटा पर्वत में। तो इसी त्रिकुटा पर्वत पर एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। तो ये गजेंद्र वहाँ अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, बच्चे, पत्नियों, सबके साथ वहाँ रहता था। एक दिन वो इतना शक्तिशाली था, गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि वहाँ जंगल में सभी जानवर उससे डरते थे। और जब वो चलता था तो त्रिकुटा पर्वत भी थोड़ा कांप जाता था, इतना शक्तिशाली था वो गजेंद्र। तो एक दिन वो अपने परिवार और मित्रों के साथ एक तालाब में पानी पीने चला गया। हाँ, तो वहाँ पानी तो पी लिया सबने, लेकिन पानी पीने के बाद वे सब पानी के साथ खेलने लगे, जल विहार करने लग गए, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लग गए सब, है ना। जहाँ कमल के फूल खिले हुए थे सब तहस नहस कर दिया, सब उधम मचाने लग गए सब पानी में जाकर। तो तालाब में एक मगरमच्छ रहता था, तो वो इतने शोर से उसे गुस्सा आ गया और वो जाकर उसने गजेंद्र के पैर पकड़ लिए। अब ये गजेंद्र के पैर उसने पकड़ लिए। अब गजेंद्र बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं अपने पैर छुड़वा लूँ, लेकिन वो छोड़ ही नहीं ले पा रहा था। अब इस बात से हम क्या समझ सकते हैं कि जो गजेंद्र जिस स्थिति में है वही स्थिति में हम भी हैं। गजेंद्र के जगह पर हम इस भौतिक दुनिया में मोह के जाल में फंसे हुए हैं। गजेंद्र कौन है? हम हैं। जो सरोवर है वो एक भौतिक दुनिया है, और मगरमच्छ कौन है? मोह, मोह माया जो बोलते हैं ना। तो कौन बता पाएगा मुझे मोह का क्या मतलब हुआ? मोह किसको बोलते हैं? हाँ, वो एक जो आसक्ति है, होती है, लेकिन मोह का एक और मीनिंग है, कोई बता सकता है? यहाँ मैं बताती हूँ आपको। मोह का मतलब होता है कि सत्य को असत्य मानना, जो सत्य है उसे असत्य मानना, और जो असत्य है उसे हम सत्य मान लेते हैं। दैट इज नोन एज मोह। तो एग्जाम्पल क्या है? जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारा शरीर है, ये असत्य है, लेकिन हम सब क्या मान रहे हैं कि हम ही शरीर है, हम ही बॉडी है, और सब बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ में हम रह रहे हैं, है ना। और जो सोल है वो सत्य है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं? आत्मा तो है ही नहीं, हमने तो देखी ही नहीं आत्मा, तो हमें तो आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो इसे बोलते हैं मोह। फिर लोग आजकल क्या कह रहे हैं कि राम और कृष्ण तो सिर्फ माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, सिर्फ पुराने ये किताबों के कैरेक्टर्स हैं, साधारण मनुष्य हैं, वो तो भगवान हो ही नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं वो, है ना, लोग ऐसे ही बोल रहे हैं ना आजकल। और भगवान किसी को किसको बनाकर बिठा दिया है? आम कोई साधु बाबा को या साईं बाबा को उन्होंने भगवान घोषित कर दिया है। तो क्या कर रहे हैं उन लोग? जो सत्य है उसे असत्य मान रहे हैं, और जो असत्य है उसे सत्य मान रहे हैं। तो इसे बोलते हैं कि मोह, मोह। तो इसमें एक बार एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक अष्टवक्र मुनि थे, वो जनक महाराज के सभा में गए। तब जनक महाराज ने उनसे पूछा कि हे मुनिवर, आप बताइए हमें कि ये मोह माया से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो वो अष्टवक्र मुनि भागे और
सभा के बाहर, महल के बाहर जो एक पेड़ था उसे जाकर कस के पकड़ लिए और जोर से चिल्लाने लग गए कि छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तो जनक महाराज आए बाहर और उन्होंने देखा कि ये मुनिवर ऐसे कर रहे हैं, तो वो उनको आंसर मिल गया। तो आपने समझी, आप समझ पाए ये बात, क्या समझा बताइए, कौन बता सकेगा मुझे? हाँ वही। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ही पेड़ को पकड़ रखा है तो हम जब छोड़ेंगे तभी हम फ्री होंगे ना। वैसे ही मोह माया को हमने ही पकड़ रखा है, इट इज़ अप टू अस। जब हम मोह माया को छोड़ देंगे, रियलाइज़ कर देंगे, तब हम आसानी से छोड़ पाएंगे। तो अब हम पर है हम कैसे ये मोह को छोड़ें। अगर अभी हमें सबको मालूम हो गया है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, लेकिन तो भी हम कर ही रहे ना, इंद्रिय तृप्ति चालू ही है ना हमारी, तो वो तो हमारे ऊपर है कि हम कब इंद्रिय तृप्ति छोड़ें और आत्मा के तरफ, भगवान की तरफ मुड़ें। वो तो हमारे ऊपर है ना, और कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो वैसे ही एक और एग्जांपल है समझाने के लिए कि एक बंदर था, तो उसे सामने एक बर्नी दिखी, एक बॉटल दिखी जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे, लेकिन वो बॉटल का मुंह छोटा था, तो उसने अपना हाथ तो डाल दिया बॉटल के अंदर, लेकिन जब उसने हाथ में सब भर लिए ड्राई फ्रूट्स, तब वो बाहर निकाल नहीं पाया क्योंकि बॉटल का मुंह छोटा था। तब वो कैसे निकालेगा बताइए, कौन बताएगा? हाँ, तो जब तक वो ड्राई फ्रूट्स छोड़ेगा नहीं तब तक वो निकाल नहीं पाएगा। वैसे ही हम जब तक मोह छोड़ेंगे नहीं, वैसे हम जब तक हम फ्री नहीं हो पाएंगे। तो अपने ऊपर है कि हम मोह को कैसे छोड़ें, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ मोह का। तो अब ये गजेंद्र बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं क्रोकोडाइल से छुटकारा पाऊँ, कैसे मगरमच्छ से छुटकारा पाऊँ। तो पहले तो वो सोच रहा था कि मैं तो इतना शक्तिमान हूँ, मेरे जैसा, उसको पहले यही सोच थी उसकी कि मुझसे ज़्यादा तो शक्तिमान कोई है ही नहीं, मैं सब चीज़ों से लड़ सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। लेकिन उसने देखा कि मगरमच्छ से तो मैं छोड़ ही नहीं रहा मुझे, तब वो हार गया। क्या हुआ? क्योंकि उसे तो खाना पीना मिल नहीं रहा था, वो तो लैंड का एनिमल है एलिफेंट, तो उसे तो खाना पाना मिल नहीं रहा था, तो उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कम होती जा रही थी। लेकिन जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, उसकी उसको पूरा खाना मिल रहा था, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग था, उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बनी रही। लेकिन गजेंद्र धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो रही थी। एंड में उसको समझ में आ गया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना अहम त्याग दिया। इसको क्या बोलते हैं, अहम मतलब मैं कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे हम सबको ही है ना कि अरे मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने तो इतने पैसे कमा लिए, है ना, मेरे दम पे चल रही है ऑफिस या मेरे दम पे चल रहा है घर, है ना। हमें सबको ये गलत फहमी है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर, तो दिस इज़ नोन एज अहम। हाँ, तो सबसे पहले गजेंद्र ने अपना अहम त्याग दिया। फिर उसे उसके परिवार वाले भी उधर ही थे, पत्नियाँ, बच्चे, इतने सारे मित्र, सब ने कोशिश की कि हम खींच कर निकाल लें गजेंद्र को पानी में से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं कर पाए और वे भी तुरंत चले गए। क्यों उसे छोड़ के चले गए? क्योंकि उन्हें भी डर था कि अगर हम ज़्यादा देर रहेंगे तो क्रोकोडाइल हमारे पैर पकड़ लेगा, तो वो भी सब छोड़ के चले गए। तब जब गजेंद्र ने देखा कि अब मुझे बचाने के लिए कोई नहीं है, मेरे परिवार वाले, मेरे मित्र कोई नहीं है, तब उसने अपना मम त्याग दिया। मम मतलब क्या? कि मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, ये मेरे फ्रेंड्स, मेरा पैसा, मेरी कार, मेरी प्रॉपर्टी। हमें क्या लगता है कि कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी संकट का समय होगा तो मेरे पैसे काम आ जाएंगे, मेरे पास तो बहुत मैंने जमा करके रखे हैं, है ना। फिर हम क्या सोचते हैं कि अगर कोई भी संकट होगा या तो मेरे तो कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं तो वो पुलिस वाले को भी जानता हूँ, उस पॉलिटिशियन को भी जानता हूँ। हम क्या समझते हैं, ये सब हम समझते हैं ना, बैक ऑफ द माइंड तो रहता ही है कि हमारे तो बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो गजेंद्र ने फिर अपना मम त्याग दिया। इसको क्या बोलते हैं, मम। तो ये अहम और मम दोनों मिलकर क्या बनता है, अहंकार। यह हमारा अहंकार है जो जिसके कारण हम भक्ति नहीं कर पाते। तो जब तक हम यह अहं और मम नहीं छोड़ेंगे, अहंकार नहीं छोड़ेंगे, प्राइड नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम
भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो अब उसने अहम और ये क्या बोलते हैं ना, तो जितना हम अहंकार छोड़ेंगे उतना ही हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। अब अहम और अहंकार का ऑपोजिट क्या है, तो हमें क्या बनना चाहिए? अहम और अहंकार द वर्ड, हाँ, प्राइड। प्राइड का ऑपोजिट क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? हम्बल। तो हमें क्या बनना है? हमें हम्बल बनना है, हमें हम्बल बनना है, तो विनम्र बनना है हमें। तो विनम्रता मतलब क्या होगा? विनम्र का मतलब क्या, कौन बता पाएगा? विनम्रता का मतलब ये है कि हमें कृष्ण के सामने जाना है और कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप इतने शक्तिमान हो, आप इतने सर्वश्रेष्ठ हो, मैं आपके सामने इतना तुच्छ हूँ, तुच्छ इंसान हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, मेरी योग्यता नहीं है आपकी सेवा करने की, लेकिन फिर भी आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए। ये होती है विनम्रता। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं कि हम इतने महान हैं, हम क्यों किसी की पूजा करेंगे या किसी की भक्ति करेंगे, हम ही अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाते। इसीलिए हमें विनम्र होना बहुत ज़रूरी है, भगवान के सामने ये समझना कि भगवान इतने शक्तिमान हैं और भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। तो ऐसा एक कहावत है कि द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू द हम्बल एंड द मीक। जो विनम्र होंगे वो ही भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो इसमें एक और एग्जाम्पल है युधिष्ठिर महाराज का। सबने महाभारत कहानी तो सुनी होगी, है ना? तो उसमें जब वो द्वित क्रीड़ा में गैम्बलिंग के बाद जब वो युधिष्ठिर सब हार जाता है ना, सब हार जाता है ना, पहले तो वो क्या समझता था, जब उसके पास सब था, इंद्रप्रस्थ, ये वो सब, ऐशो आराम, तब वो क्या सोचता था कि मेरे वजह से और मेरे भाइयों की शक्ति के वजह से मेरे पास ये सब राजपाट है, सब ऐशो आराम है, सब ऐश्वर्य है। लेकिन जैसे ही वो द्वित क्रीड़ा में सब हार जाता है, वो समझ जाता है कि मेरा तो कुछ था ही नहीं, मेरा तो कुछ था ही नहीं, और जो भी कुछ अभी भी मेरे भाई है वो उतने ही शक्तिमान है, लेकिन तो भी मैं सब कुछ हार गया। इसीलिए जो भी कुछ होता है वो हमें भगवान की कृपा से ही मिलता है। हम कितना भी एफर्ट्स डालें, कितना भी कोशिश कर लें कोई चीज़ के लिए, लेकिन अगर भगवान की स्वीकृति नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, तो हमारे सब एफर्ट्स व्यर्थ हैं, हमारी सभी कोशिशें व्यर्थ हैं। क्यों? अभी जब कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि डॉक्टर भी होता है, पेशेंट डॉक्टर के सामने रहता है लेकिन तो भी मर जाता है। क्यों? कभी माता पिता रहते हैं लेकिन तो भी वो बच्चे को अपने बचा नहीं पाते। तो अल्टीमेटली किसके हाथ में है सब कुछ? सब कुछ भगवान के हाथ में है। ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें अहंकार छोड़ना है, अहम ममा छोड़ना है और विनम्र होना है। तो जितना हम विनम्र होंगे उतना ही हम भगवान के शरण में जा सकते हैं, नहीं तो भगवान के शरण में वो आदमी जा ही नहीं पाता। हम कभी कभी करते हैं ना कि भाई मैं इतनी भक्ति कर रही हूँ, मैं माला भी कर रही हूँ, मैं अटेंड भी कर रही हूँ लेक्चर्स, लेकिन वो भक्ति जागृत नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हम हमारे अंदर झांक के नहीं देख रहे हैं जो जो हमारी बुराइयां हैं। सब में अहम होता है, सब में ममा होता है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, सब में होता है। तो हमें वो पहले छोड़ना होगा, अपना अहम और ममा। तो इसी प्रकार से जहाँ यहाँ मगरमच्छ को हम बोल रहे हैं कि मोह है, बट मगरमच्छ को हम मृत्यु से भी कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ गजेंद्र मृत्यु के मुख में ही था, नहीं क्या? मृत्यु सामने थी, वो तो दिख ही रहा था उसको कि मैं अभी ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, मार डालेगा। तो मृत्यु के सामने था वो। तो हमारे हम सबको भी, सभी को मृत्यु से डर है। ऐसा कोई है जिसे मृत्यु को से डर नहीं है? आई डोंट थिंक सो, कोई अगर ऐसा होगा। और हमें सबको मृत्यु से डर भी होना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्षण मृत्यु आ सकती है और हमें ख़त्म कर सकती है, इसलिए मृत्यु से डर होना भी ज़रूरी है। तो आचार्यगण कहते हैं कि जिसने भगवान की शरण ले ली है,
जो भगवान की शरण में चल जाता है उससे तो मृत्यु भी डरती है। तो वैसे ही देवकी माता जी श्रीमद् भागवतम में देवकी माता जब प्रार्थना कर रही होती है कृष्ण से, तब वो बोलती है कि हे भगवान, सभी लोग चारों तरफ अलग अलग लोकों में भाग रहे हैं, लेकिन जो आपकी शरण ले लेता है उससे तो मृत्यु भी डर के भागती है। ऐसे देवकी माता प्रार्थना कर रही हैं। फिर सिमिलरली भागवतम में ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कृष्ण भगवान को, जब नरसिंह भगवान जी आते हैं ना, प्रकट होते हैं प्रहलाद महाराज के सामने, तब ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हे भगवान, जो आपके रूप में, आपके रूप पर ध्यान करता है, जो इस नरसिंह रूप पर जो ध्यान करेगा वो मृत्यु को भी हरा सकता है। आप समझ रहे हो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हर एक मनुष्य को वही निश्चित समय पर मृत्यु आने वाली है, सबको आएगी, लेकिन जो नरसिंह रूप पे, भगवान के नरसिंह रूप पे ध्यान देगा वो मृत्यु को भी हरा देगा। आप समझ रहे हैं बात। तो इसका ये मतलब हुआ क्या कि जो भक्त होगा वो, उसे मृत्यु ही नहीं होगी? ऐसा है क्या? समझ में आया आप लोगों को? कोई बता सकता है? मृत्यु तो होनी है, लेकिन मृत्यु का डेफिनेशन क्या है, डेथ का डेफिनेशन क्या है फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, चेंज ऑफ क्लोथ्स को और अच्छी तरह से, वही उसी को थोड़ा सा और विस्तार में बताइए। नहीं नहीं नहीं, चेंज ऑफ क्लोथ्स इज द राइट आंसर, बट उसी को थोड़ा डिटेल में बोलिए। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ डेथ का मतलब, मैं बताती हूँ पहले। डेथ का मतलब है व्हेन द सोल, व्हेन द, जो आत्मा एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर में चली जाती है, द ट्रांसफर ऑफ द सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर मटीरियल बॉडी। लेकिन जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो जब अंतिम समय में क्या होता है उसके साथ, वो जब बॉडी छोड़ता है, आत्मा बॉडी छोड़ती है, लेकिन वो सीधा वैकुंठ या गोलोक धाम चला जाता है। जो भक्त होता है वो दूसरी मटीरियल बॉडी लेता ही नहीं है, तो उससे मृत्यु हुई नहीं ना उसकी, क्योंकि मृत्यु का मतलब क्या है, आप एक शरीर छोड़कर दूसरे भौतिक शरीर में जाते हो। लेकिन जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो सीधा गोलोक वृंदावन या वैकुंठ चला जाता है, इसलिए एक तरह से उसकी मृत्यु होती ही नहीं है, वो मृत्यु पर विजय पा लेता है इसीलिए। तो अब हम देख रहे हैं कि गजेंद्र क्या बोलते हैं, गजेंद्र और जो मगरमच्छ है, बोलते हैं कि उनकी लड़ाई जो हुई वो 1000 सालों तक चली। कितने सालों तक चली? 1000 सालों तक चली, सहस्र वर्षों तक चली। तो सहस्र का मतलब संस्कृत में सहस्र का मतलब होता है करोड़ों साल भी होता है। तो एक मीनिंग तो 1000 साल हो गया और दूसरा मीनिंग है करोड़ों साल। तो जैसे गजेंद्र फाइट कर रहा था मगरमच्छ से, वैसे हम भी करोड़ों जन्मों से, करोड़ों सालों से, वर्षों से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, हम इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो कैसे निकलेंगे हम? अगर हम, जब तक हम शरणागत नहीं होंगे भगवान के, भगवान के चरण कमलों में शरणागत नहीं होंगे, तब तक हम इसी जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे रहेंगे। तब अब गजेंद्र को समझ में आ गया कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरी शक्ति पूरी ख़त्म हो गई है, अभी मुझे बचा सकते हैं तो सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। तो ये जो रियलाइजेशन हुआ उसको, ऐसे वो तो हाथी था तो उसको ऐसा रियलाइजेशन कैसे हो सकता है? किसको मालूम है स्टोरी? अगर हाँ बोलो ना। हाँ, वेरी गुड। इसीलिए, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी भक्ति की थी, क्योंकि जो हाथी था, गजेंद्र था, वो पहले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे, जो बहुत ही बड़े भक्त थे विष्णु भगवान के। तो क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी भक्ति, उन्होंने बहुत भक्ति की थी पहले जन्म में, इसलिए भगवान ने उन्हें कृपा, उन पर कृपा की और गजेंद्र को वो प्रार्थना जो उसने पहले जन्म में सीखी थी वो उसे
याद आ गई। अब अभी यहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई ना कोई कुछ होगा, लेकिन जो आपने इस जन्म में सीखा है क्या आपको अगले जन्म में याद रहेगा? आपको फिर से ABCD से शुरू करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो भक्ति जो हम करते हैं वो जहाँ तक हम भक्ति कर लिए, समझो इस जन्म में हमने भक्ति कर ली 10% कर ली, तो अगले जन्म में भी हम वो 10% भक्ति हमारे साथ जाएगी और फिर 11th नंबर से हम शुरू करेंगे भक्ति। तो थोड़ी सी भी भक्ति, भगवत गीता में कह रहे हैं भगवान कि थोड़ी सी भी भगवत भक्ति अगर हमने किया तो वो उसका नाश नहीं होता, वो हमारे साथ जाती है। तो स्टोरी ऐसा ही है कि पहले जन्म में गजेंद्र इंद्रदुम्न महाराज थे, तो वो इतने शुद्ध भक्त थे विष्णु जी के कि एक दिन वो ध्यान में बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें बिल्कुल भी चेत नहीं था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तभी वहाँ अगस्त्य मुनि आ गए, तो अगस्त्य मुनि आए तो उन्होंने देखा कि वो राजा तो उठे ही नहीं उन्हें स्वागत करने के लिए, इंद्रदुम्न महाराज उठे ही नहीं, तो अगस्त्य मुनि को लगा कि ये राजा बहुत घमंडी है और मेरा आदर सत्कार कर ही नहीं रहा, मेरा स्वागत कर ही नहीं रहा। तो वो एकदम गुस्सा हो गए अगस्त्य मुनि और उन्होंने इंद्रदुम्न महाराज को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम हाथी बन जाओगे, क्योंकि हाथी की मोटी बुद्धि होती है ना, तो उन्होंने ऐसा श्राप दे दिया। तो इसीलिए गजेंद्र का उनको जन्म मिला। लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि जो साधु संतों का, जो शुद्ध भक्तों का जो श्राप भी होता है ना, वो भी फलदायक होता है, वो भी अच्छा होता है, उसमें भी हमारी अच्छाई छिपी होती है। तो इसीलिए गजेंद्र को हाथी का शरीर मिल गया और एंड में उसे भगवान के दर्शन हो गए, है ना, तो श्राप उसके लिए बेनिफिट हो गया, उसको बेनिफिशियल हो गया, उसमें भी उसमें अच्छाई हो गई उसकी। तो अब गजेंद्र ने अपनी प्रार्थना शुरू की जो उसे पहले जन्म में सीखी थी। तो ऐसे 28 या 29 वर्सेस हैं पूरा गजेंद्र मोक्ष में, जो अगर हम बोले जाएंगे, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो 2 घंटे या पूरा हफ्ता भी लग जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको ऊपर से मतलब मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगी। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि गजेंद्र किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा था कि कृष्ण या विष्णु या हम लोग जो नॉर्मल लोग बोलते हैं ना कि शिव जी भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है, गणेश जी का, तो ऐसे किसी का नाम उसने प्रार्थना में नहीं लिया। उसने क्या कहा कि मैं उस परम पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ जो सभी कारणों के कारण है। ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सबको ये मालूम है ना कि सब पूरी ये सृष्टि तो भगवान से ही हुई है, भगवान सभी कारणों के कारण है, वे ही, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। अब आप पूछोगे कि अरे भगवान कहाँ से आए, कृष्ण कहाँ से आए, तो उसका कोई कारण नहीं है, भगवान का कोई ओरिजिन नहीं है, कॉज नहीं है। हाँ, फिर वो बोल रहे हैं, गजेंद्र बोल रहा है कि आप इस भौतिक शरीर में मौजूद हो इसीलिए यह शरीर काम कर रहा है। आप सभी को मालूम है कि हमारे अंदर कौन है, एक आत्मा भी है और एक परमात्मा भी है, दो आत्माएं हैं। जो बोलता है कि एक ही आत्मा है वो गलत है। कुछ लोग समझते हैं ऐसे मायावादी लोग कि आत्मा परमात्मा सेम है, 99% लोग ये समझते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि आत्मा और परमात्मा अलग है। तो क्योंकि भगवान हमारे शरीर में स्थित हैं इसीलिए हमारे सेंसेस और ये सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क कर रहे हैं। जिस क्षण वो परमात्मा अपने बॉडी को छोड़कर चला जाएगा हम कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी अंग। तो हम देखते हैं कि कोई कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं या डम एंड डेफ होते हैं या कोई विकलांग होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके उस सेंसेस में भगवान प्रेजेंट नहीं है, भगवान ने अपना प्रेजेंस हटा दिया, इसीलिए वो उनका वो अंग चलता नहीं है। इसीलिए हमें समझना है ये बात कि हर जीव में भगवान उपस्थित है, परमात्मा उपस्थित है। फिर बड़े बड़े जो देवता हैं जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी भी आपको पूजते हैं, ऐसे गजेंद्र अपनी प्रार्थना में बोल रहा है। तो क्यों पूज रहे हैं ब्रह्मा जी और शिव जी? कर्म सभी का जो नॉन डिवोटीज होते हैं वो तो यही बोलते हैं कि ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कृष्ण सब एक हैं,
लेकिन ये सब एक नहीं है। अगर कृष्ण या विष्णु बड़े नहीं होते तो ब्रह्मा जी शिव जी उनको क्यों पूछते, आप समझ रहे हैं? वो क्योंकि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए सभी देवी देवता जैसे ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, इंद्र हो, सभी कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। आप हर एक जीव के हृदय में बसे हो, हर वस्तु आपके ऊपर टिकी हुई है, आपसे ही प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, आप ही सृष्टि के का पालन करते हो और आप ही सृष्टि का संहार करते हो। तो कौन कर रहा है? क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिसोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन, सभी कुछ कृष्ण ही करते हैं। क्रिएशन से पहले भी कृष्ण थे और डिसोल्यूशन के बाद भी कृष्ण ही हैं, हम नहीं रहते। क्रिएशन से पहले हम मतलब मैनिफेस्ट फॉर्म पे नहीं रहते, पहले कृष्ण ही रहते हैं, फिर वो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। मैं उस भगवान की शरण लेता हूँ जो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? स्वराट, इंडिपेंडेंट। भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं, वो कोई उन्हें रोक नहीं सकता किसी भी तरह से, है ना? कृष्ण जिसको बचाना चाहते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, और जिसे कृष्ण मारना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आप ही परम साक्षी हो, भगवान ही परम साक्षी है, वो बैठे हैं हमारे हृदय में और हर एक चीज़ जो हर कार्य कर रहे हैं, गलत सही जो हम कर रहे हैं, उसके साक्षी विटनेस कौन है? परमात्मा है, भगवान है। हम सोचते हैं कि अरे हम ये गलत काम कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो हर एक चीज़ नोट डाउन कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। आप ही अद्भुत कारणम हो, यहाँ क्या बोल रहे हैं गजेंद्र भगवान को, क्या बोल रहे हैं कि आप अद्भुत कारणम हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? अद्भुत कारणम मतलब कि भगवान एक हैं, वो पूर्ण हैं, लेकिन उन्हीं में, उन्हीं के अंदर से इतने करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना? फिर वो पूरे करोड़ों ब्रह्मांड में वो सब ऐश्वर्य, ऑप्यूलेंसेस, सब कुछ वो भर देते हैं, प्रकृति से सब कुछ भर देते हैं। लेकिन ये सब कुछ भरने के बाद भी, यह पूरा पृथ्वी रचने के बाद भी, ब्रह्मांड रचने के बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती है। कमी होती है उनसे? कमी नहीं होती, वो हजारों करोड़ इन्फिनिट ब्रह्मांड बनाते हैं लेकिन उनमें कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए हम उसे बोलते हैं कि वे अद्भुत कारणम है। ये इतनी अद्भुत बात है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो अद्भुत कारणम है। अगर आज मैं आपको 1000 रुपया दे दूँ, अगर आप खर्च करोगे तो एंड में 100-200 रुपये बचेंगे ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने 10 चीज़ें खरीद ली और फिर भी आपके पास 1000 रुपये बच गए। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, वो सब कुछ देने के बाद भी, बनाने के बाद भी भगवान पूर्ण है। भगवान आप ही प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो कौन बताएगा तीन गुण कौन से हैं प्रकृति के? हाँ, सतोगुण। तो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि कृष्ण आए हैं, राम आए हैं, तो इनकी भी मटेरियल बॉडी ही है, भौतिक शरीर ही है उनका, वो भी हमारे जैसे मनुष्य ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ये तीनों गुणों से ऊपर है, वे सत्व गुण में हैं, है ना? विशुद्ध सत्व जिसे बोलते हैं, वे टोटली हायर ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है। वो हमें, हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं है, उनकी जो, उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, फुल ऑफ नॉलेज, एटर्निटी एंड ब्लिस। हमारे जैसा नहीं है, उनकी आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए वो हम बोलते हैं कि वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो आप सभी जीवों को समान रूप में देखते हैं। भगवान किसी को अलग अलग नहीं देखते कि ये मेरा भक्त है तो मैं इसको ज़्यादा दे दूँ, ये मेरा भक्त नहीं है, वो सभी को एक समान देखते हैं। जो असुर होता है उसे भी उतना ही कृपा देते हैं, जो देवता होते हैं उस पर भी उतनी ही कृपा देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रहलाद, हाँ, तो वो तो चलो भक्ति किए तो भी, भक्ति किए तो, हाँ, पूतना, दैट्स अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। पूतना, पूतना तो भक्ति की नहीं थी कुछ भी, तो भी एंड में उसको भगवान
मोक्ष दे दिए, उसे वापस गोलोक वृंदावन ले गए, उसे अपने माँ का दर्जा दे दिए गोलोक वृंदावन में। तो कितने कृपालु है भगवान। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान के सामने जिसकी भी मृत्यु हुई थी महाभारत में, या भगवान के हाथों जिसकी मृत्यु हुई थी, सबको मोक्ष मिल जाता है, या वो फिर से वैकुंठ चले जाते हैं। कृष्णा ने जो भी असुर मारे थे, जैसे पूतना है, तृणाव्रत है, जिनको भी मारा था सबको भगवान ने मोक्ष दे दिया, वैकुंठ धाम ले गए भगवान। तो भगवान सभी को समान रूप में देखते हैं। भगवान सभी के सुहृत हैं, वेल विशर। सुहृत का मतलब क्या है? वेल विशर। और सुहृत का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जो आपकी भलाई 2400 घंटे सोच रहा है, जो आपका भलाई के लिए दिन रात सोच रहा है, वो उसे बोलते हैं सुहृत। जो फ्रेंड होता है वो तो टेम्पररी होता है, वो तो थोड़ा बहुत जितना उसकी कैपेसिटी होती है वो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन भगवान सुहृत हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि कब हम सब जो उनके बच्चे हैं वापस उनके पास वैकुंठ लोक जाएं। हम तो मुड़ ही नहीं रहे हैं भगवान की तरफ, लेकिन भगवान को ज़्यादा चिंता है दिन रात कि कब ये सभी मेरे बच्चे मेरे पास वापस आएंगे। और वो कोशिश करते रहते हैं, हमारे लिए गुरु भेजते हैं ताकि हमें सही ज्ञान मिल सके और हम फिर से भगवत धाम जा सकें। तो भगवान हमारे सुहृत हैं। आपकी अंतरंग शक्ति से आप अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं, जैसे राम, नरसिम्ह, ऐसे अनेक अवतार में भगवान आते हैं ना, अपने अंतरंग शक्ति से, इंटरनल पोटेंसी से भगवान आते हैं। तो कौन कौन बताएगा? एक एक अलग अलग भगवान के, एक राम हो गए, नरसिम्ह, और अवतार कौन से हैं भगवान के? मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार, वामन अवतार, और विष्णु के भी अलग अलग अवतार, विष्णु के भी अवतार होते हैं, जैसे कृष्ण, गर्भी, परशुराम, ऐसे भगवान के अन्य अवतार भगवान लेकर आते हैं ताकि हम उनकी लीलाएं सुन सकें और जान सकें कि कौन एक्चुअली भगवान है। आप ही मोक्ष प्रदान करते हो। यहाँ गजेंद्र क्या कह रहा है कि भगवान को बोल रहा है कि आप ही मोक्ष प्रदान करते हो। तो गजेंद्र भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, मैं एक हाथी के शरीर में फंसा हुआ हूँ। ये हाथी के शरीर में अंदर भी अज्ञानता है और बाहर भी अज्ञानता है। मुझे केवल ये मगरमच्छ से बचना नहीं है, मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालिए। आप समझ रहे हो? तो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालिए मतलब क्या हुआ? मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। तो मोक्ष कौन दे सकता है? केवल कृष्ण या विष्णु दे सकते हैं। तो यहाँ तो उसने नाम लिया ही नहीं गजेंद्र ने, तो बाकी लोग भी तो आ सकते थे, शिव जी या ब्रह्मा जी या इंद्र, कोई भी आ सकता था। लेकिन ये जो क्वालिटीज़ मैं अभी आपको बोल रही हूँ, ये सब कृष्ण को ही या विष्णु को ही अप्लाई होते हैं। बाकी देवी देवता आपको मोक्ष नहीं दे सकते, केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। इसलिए उनका नाम क्या है? कृष्ण का नाम मुकुंद। मुकुंद मतलब जो आपको मोक्ष दे सकता है, द गिवर ऑफ लिबरेशन। इसीलिए यहाँ गजेंद्र स्पेसिफिकली बोल रहा है कि मुझे भगवान मोक्ष दे दीजिए। अगर आप जा रहे हैं कोई राजा के पास, तो अगर कोई मांगेगा राजा से कि भाई राजा मुझे 100 रुपया दे दीजिए, तो आप क्या बोलोगे उसको? कि तू गधा है, तू ये क्या मांग रहा है? तू राजा के पास जा रहा है तो कुछ भी मांग सकता था तू, कुछ भी। तो वैसे ही जब हम कृष्ण के पास जाते हैं, और ये सब छोटी मोटी भौतिक चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए हमसे, आप समझ रहे हैं? हमें कृष्ण की भक्ति मांगनी चाहिए, कृष्ण की सेवा मांगनी चाहिए, है ना, वैष्णव सेवा मांगनी चाहिए। इसलिए यहाँ गजेंद्र सिर्फ मगरमच्छ से बचने के लिए नहीं बोल रहा है भगवान को, वो बोल रहा है मुझे आप मोक्ष दे दीजिए, मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ही निकालिए। वही सबसे इम्पोर्टेंट है ना, हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से ही नहीं निकल पा रहे हैं, वो ज़रूरी है। आप ही एकमात्र आश्रय हो। तो हम सोचते हैं कि हमें ये हेल्प कर देगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे माँ बाप हेल्प कर देंगे, या मेरे बच्चे मुझे हेल्प कर देंगे, या लेकिन जो समय आ जाता है तब कोई हेल्प नहीं कर पाता, सिर्फ भगवान ही आपको हेल्प कर सकते हैं। इसलिए हम कोई भी तकलीफ़ में हो, तो जैसे गजेंद्र ने याद किया, वैसे हमें भी
भगवान को याद करना चाहिए। आप बहुत कृपालु हैं, मुझे इस संकट से मुक्त कीजिए। आप सभी शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते वे आप तक नहीं पहुंच सकते। ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हम ये क्यों व्रत करते हैं या ये नियम पालते हैं या ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, क्यों? ताकि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। और अगर हम ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो कर पाए, ये एकादशी व्रत नहीं कर पाए, जो मिनिमम, मैं ये नहीं बोलूँ निर्जला, लेकिन जो मिनिमम हम ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं वो अगर हम मिनिमम नहीं कर पाए, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हमें भगवान कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। तो इंद्र को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं फ़ोन उठाती हूँ, देखना होता है कि ये स्पिरिचुअल ग्रुप में क्या आया है, लेकिन बाकी सब ग्रुप्स देखने लगते हैं, फिर फेसबुक देखने लगते हैं, फिर सब व्हाट्सएप देखने लगते हैं, तो सबके साथ होता है, लेकिन हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है ना। केवल भोग लगा के, प्रसादम लगा के ही भोजन खाना है, नहीं तो ऐसे नहीं खाना है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है कि आप ही सभी वैदिक ज्ञान के स्रोत्र हो। तो भगवान से ही हमें सब ज्ञान मिलता है ना। हम खुद ज्ञान पैदा नहीं कर सकते, जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसका सोर्स कौन है? ये वेदास है। और वेदास किसने कहा है? कृष्ण ने ही। सब वेदास कृष्ण से ही आते हैं, सब कुछ कृष्ण ही से ही आते हैं, वे ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। कृष्ण इज दी एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो सभी जो सच्चाई है, सभी कुछ उनसे जुड़ी हुई है। तो ये था, तो ये प्रार्थना सुनकर, ये प्रार्थना गजेंद्र ने बोल दी। अब भगवान कहाँ थे? भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में थे। तो गजेंद्र ने ये भी बोला एंड में कि भगवान आप प्लीज़ जल्दी आइए, है ना, मुझे जल्दी आइए और मुझे बचाइए। तो जैसे ही भगवान ने ये प्रार्थना सुनी, तो कहते हैं एक आचार्यगण ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि कैसे भगवान आते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान वैकुंठ लोक में थे और उनके हाथ में लक्ष्मी जी का पल्लू था, लेकिन जैसे ही उन्होंने गजेंद्र की प्रार्थना सुनी तो वो सोचे ही नहीं, बिना चप्पल पहने और लक्ष्मी जी का पल्लू हाथ लिए वो भागे। तो भगवान भागे तो अभी लक्ष्मी जी को भी भागना पड़ा पीछे पीछे, क्योंकि उनके हाथ में पल्लू था। तो लक्ष्मी जी बोली रुको रुको, लेकिन भगवान बोले नहीं, गजेंद्र बुला रहा है मुझे। तो यू शुड जस्ट इमेजिन दैट सीन कि भगवान भाग रहे हैं। तो भगवान गरुड़ के ऊपर भी नहीं बैठे, कहते हैं, और तो गरुड़ पीछे से बोला कि अरे भगवान, मैं भी, आप बैठी मेरे ऊपर, आप ऐसे ही क्यों भाग रहे? बोले नहीं, टाइम नहीं है, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। तो गरुड़ भी पीछे पीछे भागा कि अरे भगवान को मदद तो करनी पड़ेगी। फिर उनकी शंख चक्र, भगवान विष्णु तो चार भुजा हैं, तो उनके शंख चक्र गदा पद्म वो भी वहीं रह गए। तो वो भी आवाज़ दिए भगवान को, अरे भगवान आप मुझे, हमें छोड़ के जा रहे हो? तो भगवान बोले नहीं नहीं, टाइम नहीं है, और भगवान भाग रहे। तो सब शंख चक्र गदा पद्म भी उनके पीछे पीछे भागे। तो ऐसे भागते भागते तो रस्ते में जा रहे थे, जब तो सब देवता सब निकल कर आ गए बाहर कि अरे भगवान विष्णु, उनको तो दर्शन भी नहीं होते थे जल्दी से कि भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे हैं। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र सब अपने लोकों से बाहर आए और बोले कि अरे भगवान कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि अरे गजेंद्र बुला रहा है, इसलिए तो वो भी मिल लिए, वो भी साथ में आ गए। तब गरुड़ ने समझाया कि भगवान आप अभी जल्दी से मेरे ऊपर बैठिए। तो भगवान ठीक है, फिर एंड में क्या किए, रुक गए और जल्दी से गरुड़ पे बैठ गए और उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण कर लिया और गजेंद्र के सामने सभी देवताओं के साथ प्रकट हो गए, वो पहुँच गए। तो कहते हैं कि गजेंद्र ने जब देखा कि भगवान आ गए हैं, तब उसकी बहुत तीव्र इच्छा हुई कि मैं भगवान को क्या दूँ, क्या अर्पण करूँ। तो वही तालाब में उसने एक कमल का फूल देखा और उसने अपने ट्रंक में, सूंड में उठाकर वो भगवान को वह कमल का फूल दे दिया। अब जब भगवान आए तब उन्होंने तुरंत अपने हाथ से गजेंद्र को उठाया और पृथ्वी पर, धरती पर ले आए और अपने सुदर्शन चक्र से वो मगरमच्छ को मार दिया, है ना।
तो जब मगरमच्छ को मारा सुदर्शन चक्र से, तब उसमें से एक गंधर्व निकला जो जिसका नाम था हुहू। तो उसे भी पहले जन्म में श्राप मिला हुआ होता था, मिला था एक ऋषि मुनि से, वो उसकी कहानी में मैं नहीं जा रही। तो उसे भी श्राप मिला था कि आप ऐसे मगरमच्छ बन जाओगे। वो एक देवल ऋषि थे, मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, देवल ऋषि थे। तो वो पानी में सूर्य पूजा कर रहे थे, तब ये हुहू गंधर्व को मस्ती हो गई और वो पानी में जाकर उसने वो मुनिवर के पैर वो खींचने लग गया। तो बट ऑब्वियस वो मुनिवर गुस्सा हो गए और उन्होंने वो गंधर्व को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे काम कर रहे हो, इसलिए जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। तब उसने बहुत माफ़ी मांगी, तब वो मुनिवर को दया आ गई और मुनिवर ने कहा कि ठीक है, ऐसे करो तुम इसी तालाब में रहो, एक दिन गजेंद्र आएगा, गजेंद्र नाम का हाथी आएगा, उसके पैर पकड़ लेना, फिर उसके साथ तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। तो कहते हैं कि ये गंधर्व, उस समय तो उसने प्रणाम किया भगवान को और वो गंधर्व लोक चला गया, लेकिन बाद में जब उसके मृत्यु के समय उसे भी मोक्ष मिल गया। इसलिए कहते हैं कि हमेशा भक्तों के साथ जुड़े रहना चाहिए। आपसे भक्ति नहीं हो रही तो भी अगर आप भक्तों के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके भी नया पार हो जाएगी, है ना। तो सोचिए, मतलब गजेंद्र के साथ भगवान ने उसको भी मोक्ष दे दिया। अब क्योंकि भगवान ने गजेंद्र को छू लिया था, तब तुरंत उसे सारूप्य मुक्ति मिल गई। सारूप्य मुक्ति मतलब क्या, कौन बताएगा? हाँ, विष्णु दूत का जो सेम, जो विष्णु भगवान का जो रूप होता है, वो सेम रूप गजेंद्र को मिल गया। सिर्फ दो डिफरेंस होता है कि कौस्तुभ मणि नहीं होती है और श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता है, बाकी सब शंख चक्र गदा पद्म सब स्वरूप्य मुक्ति में मिल जाता है इंसान को, है ना। तो भगवान को वो प्रणाम करता है गजेंद्र, और फिर भगवान स्वयं उसको अपने गरुड़ में बिठाकर फिर से वैकुंठ धाम ले जाते हैं। तो कहते हैं कि जो ये कहानी श्रद्धा से सुनता है, उसे उसके सभी भौतिक क्लेश और बंधन सभी खत्म हो जाते हैं और अंत में उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। और आचार्यगण ऐसे भी कहते हैं कि हर रोज़ सुबह, अगर हम सुबह सुबह उठते से ही सबसे पहला आना चाहिए ये पूरा दृश्य कि भगवान गरुड़ के ऊपर आ रहे हैं, सभी देवी देवता के आ रहे हैं, त्रिकुट पर्वत है, तालाब है, गजेंद्र है, मगरमच्छ है, और कैसे भगवान सुदर्शन चक्र चला रहे हैं और गजेंद्र को बचा रहे हैं। रोज़ सुबह जो भी ये दृश्य, सिर्फ 10 सेकंड लगेगा आपको, जो भी यह दृश्य को याद करेगा उसका पूरा दिन शुभ जाएगा, ऑस्पिशियस रहेगा और वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस गजेंद्र मोक्ष की यह मान्यता महात्म्या है। भी किसी को भी कुछ भी डाउट्स है या क्वेश्चंस है? आई जस्ट होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। कौन पूछेगा? एनीबडी एनी डाउट्स?